भारत चीन के बीच हो सकता है बहुत बड़ा धमाका। चीन का निकला कचूमर भारत के आगे लगा गिड़गिड़ाने। भारतीय सेना का जोश हाई, दुश्मन को रोनने को है तैयार। दोस्तों, भारत चीन के बीच लंबे समय से तनातनी बनी हुई है। चाइना ने भारत की सीमा पर घातक हथियारों से लैस सेना तैनात कर रखी है, वहीं भारत की सेना भी पूरे दमखम से सीमा पर तैनात है। चाइना की हर गुस्ताखी पर भारत की नज़र है। जमीन से लेकर समुंदर और समुंदर से लेकर आसमान तक हर जगह हिंद की सेना अपनी ताकत के साथ मौजूद है। चाइना कोई भी गुस्ताखी करने की सोचता है, भारतीय सेना तुरंत उसे जवाब दे देती है। चीनी सैनिकों ने गलवान में गुस्ताखी दिखाने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने ऐसा करारा जवाब दिया कि चीन की सेना इस जवाब को कभी भूल नहीं पाएगी। इस बीच भारत ने चाइना को एक ऐसा मैसेज दे दिया है जिसके बाद चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। चीन के दिमाग पर ताले पड़ गए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि चीन की बेचैनी बढ़ गई है। तो दोस्तों, भारत ने गुरुवार को एक बार फिर से चीन को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के प्रबंधन के लिए हुए समझौतों का ईमानदारी से पालन किया जाए। भारत का यह बयान पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए होने वाली 16वीं दौर की सैन्य बैठक के 3 दिन पहले आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यह आवश्यक है कि भारत और चीन के बीच 1993 और 1996 में हुए उचित समझौतों का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए। वह मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। अरिंदम बागची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का भी संदर्भ दिया कि भारत एलएसी पर स्थिति में एक तरफा बदलाव की किसी भी कोशिश को कभी स्वीकार नहीं करेगा। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच 5 मई 2020 से गतिरोध चल रहा है, जिसकी वजह से पांगोंग त्सो झील क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद से इन इलाकों में दोनों पक्षों ने हजारों सैनिकों व भारी हथियारों की तैनाती कर रखी है। सत्रह जुलाई को दोनों देशों के बीच होगी बेहद खास मीटिंग। दोनों देशों के संघर्ष के बीच समझौते की बनी हुई है उम्मीद। दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी के बीच 17 जुलाई को 16वें दौर की कोर कमांडर स्तर की अहम वार्ता होगी। यह बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर होगी। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में खास तौर से पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी की पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 पर डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की जाएगी। PP-15 वह स्थान है जहां पिछले 2 साल से दोनों देशों की एक एक प्लाटून आमने सामने है। जानकारी के मुताबिक PP-15 के अलावा भारत की तरफ से देपसंग प्लेन और देमचोक जैसे विवादित इलाकों के समाधान का मामला भी उठाया जा सकता है। कोर कमांडर लेवल की इस वार्ता में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता और चीन की तरफ से मेजर जनरल यांग लिन शामिल होंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से इंडोनेशिया के बाली में गत 7 जून को हुई एक मुलाकात के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए सैनिकों की वापसी का मुद्दा उठाया था। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से कहा था कि चीन एवं भारत के संबंधों में सुधार की दिशा में प्रगति दिख रही है, क्योंकि दोनों देशों ने संवाद कायम रखा है और अपने मतभेदों पर प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया है। बाली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से इतर 1 घंटे तक चली इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी मुद्दों के जल्दी समाधान की जरूरत से अवगत कराया और इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंध परस्पर सम्मान, संवेदनशीलता और हितों पर आधारित होने चाहिए। वांग यी ने कहा था कि इस साल मार्च से चीन और भारत ने संवाद कायम रखा है, अपने मतभेदों का प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में आम तौर पर सुधार की दिशा में प्रगति दिखी है। जमीन से आकाश, समुंदर से अंतरिक्ष तक भारतीय सेना मचा रही बवंडर। सीमा पर भारत की ताबड़तोड़ तैयारी ने चीन का उतार दिया है भूत।
चीन की गुस्ताखी को देखते हुए भारत ने सीमा पर किस तरह की तैयारी की है, कौन कौन से मोर्चों पर सेना ने अपनी ताकत में इजाफा किया है, ये सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो दोस्तों, भारत सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जुटा है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की जा सके। चीन 5G नेटवर्क लगा रहा है, सड़क, रेल और हवाई संपर्क बना रहा है। चीन अरुणाचल के पास की सीमा में 2 गांवों को ऐसे विकसित कर रहा है कि युद्ध की स्थिति में उसे फायदा हो, लेकिन भारतीय सेना ऐसा होने नहीं देगी। लेफ्टिनेंट जनरल कालिता ने कहा कि पूर्वी कमान में चीन की सीमा के आसपास निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। भारतीय सेना किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए किसी भी समय पूरी तरह से तैयार है। यहाँ मौसम की वजह से किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिक्कत आती है, देरी होती है, लेकिन सेना किसी भी तरह के विरोध या संघर्ष की स्थिति में चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी अतिरिक्त 6 डिवीजन तैनात की है। इसके लिए सैनिकों को पश्चिमी सीमा समेत दूसरे अहम मोर्चों से बुलाया गया है। इनमें लद्दाख में पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात जवानों से लेकर पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में जुटे सैनिक शामिल हैं। लद्दाख सेक्टर में 2 साल पहले चीनी सेना से झड़प हुई थी। इसके बाद शुरू हुई परेशानी को देखते हुए सेक्टर में काउंटर टेररिस्ट राष्ट्रीय राइफल फोर्स 1 डिवीजन के बराबर की अतिरिक्त तैनाती के साथ 3 डिवीजन को मजबूत किया गया है। पूर्वोत्तर में भी आतंकरोधी अभियान में तैनाती में भी बदलाव किया जा रहा है। उत्तरी सीमा पर जो 6 डिवीजन तैनात की गई हैं, इनमें से 3 पाकिस्तान की सीमा पर तैनात थी। भारतीय सेना ने उत्तरी कमान को मजबूत करने के लिए आरक्षित बलों के रूप में लद्दाख सेक्टर की देखभाल के लिए 1 स्ट्राइक कोर पर 2 डिवीजन भी नियुक्त किए हैं। 1 स्ट्राइक कॉप्स पहले पूरी तरह से पाकिस्तान के मोर्चे पर केंद्रित थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से उत्तरी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इतना ही नहीं, चीन की बेचैनी बढ़ाने वाली खबर ये है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय सेना इसरो की मदद से निगरानी और टोह लेने के लिए सैटेलाइट्स का उपयोग भी कर सकती है, जिसकी गोपनीय जानकारियां सीधे रायसीना हिल्स पर रिले की जाएंगी। इसके अनुसार काम किया जाएगा। इसरो के सैटेलाइट्स की वजह से ही पिछली बार चीन डर गया था, क्योंकि उसकी हर गतिविधि पर भारतीय सैटेलाइट्स नज़र रख रही थी। इसीलिए चीन की भलाई इसी में है कि वो जल्दी इस मामले को सुलझा ले, नहीं तो उसकी बर्बादी से उसे कोई नहीं बचा पाएगा।